टाइफिड गैस इसका टाइफिड मिलाने जा रहे हैं टाटा एरो 3 का है। फायरिंग ऑर्डर है इसका 1, 2, 3, 6, 7 और 10। उसकी फर्स्ट राउंड का हो गया 1, 2, 3, 6, 7 और 10। फर्स्ट राउंड में हमारा 6 मिलेगा, बाकी जो बच जाएगा उसको सेकंड राउंड में मिलाएंगे। अब इसका हम लोग टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग कहाँ पे आएगा। ये 4 और 5 बल्ब जब पूरा दब के थोड़ा सा ऊपर आवे तो टाइमिंग पे आ जाता है, और यहाँ पंप के पास में टाइमिंग प्लेट में लगा हुआ रहता है नेपल टाइप का, वो टाइमिंग यहाँ से नीचे दबाइएगा कोई रड से तो टाइमिंग पे आता है वहाँ से, वहाँ से भी आप टाइमिंग कर सकते हैं और ऐसे अंदाजे भी मिला सकते हैं। इसका गेज आता है भाई 0.25 का एक रहता है, और ये है 0.25 और 0.51, मतलब 0.51 और 0.25 का गेज है MM में, ठीक है। इसका यहाँ दिखाओ, ये जब पिस्टन अंदर जाएगा ना ये वाल, जैसे दब के थोड़ा सा उठे समझ लेना हमारा टाइमिंग पे आ गया, मतलब एक नंबर जो पिस्टन है वो टॉप में आ जाता है पूरा, ठीक है। बहुत से आदमी देखेगा कि दो टाइफिड मिलाता है, एक बार में 2 मिलाया, फिर दूसरा घुमाएगा थोड़ा सा इंजन, फिर 2 मिलाया, तो वैसे में भी टाइफिड सही रहता है, दिक्कत नहीं है उसमें भी, लेकिन बेहतर कंपनी तरफ से अगर देखा जाए तो एक राउंड में 6 बोलता है मिलाने के लिए, और फिर दूसरा राउंड में 6, मतलब 2 राउंड में आपको कंप्लीट कर देना है टाइफिड मिला के, जैसे माइलेज इसका सही आता है। तो अभी पूरा प्रोसेस देखेंगे हम लोग कैसे टाइफिड मिलाते हैं, और ये टाइमिंग हो रहा है नीचे फ्लाईव्हील से घुमा रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है, थोड़ा जूम करो यहाँ पर दिख रहा है अंदर जा रहा है सब, बस ये हो गया टाइमिंग। दब के थोड़ा सा ऊपर आया 4 और 5, जब पूरा दब के थोड़ा सा ऊपर आएगा जब नीचे से ऊपर, तो समझ लेना कि हमारा टाइमिंग पे आ गया, ये अंदाजा है, नहीं तो परफेक्ट टाइमिंग चाहिए तो वहाँ पे पंप के बगल में जो रहता है उल्लुल्ली का दबा दीजिए और घुमाइए, उलझा के लॉक करेगा, उसके बाद आप टाइफिड पूरा मिला सकते। तो अभी हमारा टाइमिंग पे आ गया है, ये कमिंस एरो 3 है, फिर इसका हम लोग टाइफिड मिलाएंगे। ये छोटा वाला बल्ब में हमारा 0.25 का लगेगा, छोटा बल्ब में गैपिंग इसका 0.25 का रहता है, ठीक है। ये 0.51 का गेज है, ये इनलेट में लगेगा, ये बड़ा बल्ब जो हमारा वो इनलेट का है और छोटा बल्ब एग्जॉस्ट का है, एग्जॉस्ट और इनलेट, तो इनलेट में 0.51 और आउटलेट में 0.25 mm का गैपिंग होता है। एक 2 3 हो गया, अब छठा नंबर, ये डागे लगाया रे बाबू, ये हो गया, अब 7 मिलाते हैं, ठीक है।
सात दस चलो घुमा। फर्स्ट राउंड का हो गया, इंजन घूमने दो उसको, ठीक है। सात और दस, आप दूसरा राउंड में क्या कि ये दोनों जब नीचे पूरा चला जाएगा और नीचे जाने के बाद जब ये देखिएगा, ध्यान देखिए कि जब थोड़ा सा ऊपर आवे तो ये टाइमिंग में आ जाएगा। सात और दस नंबर पूरा जब अंदर जाके थोड़ा सा उठेगा ना तो इसका ये टाइमिंग आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक दूसरा राउंड मिलाएंगे, देखो कहाँ जा रहा है दूसरा में। क्लियर, ये डाउन हो गया ना, तो ये टाइमिंग हुआ है, ठीक है। सेकंड राउंड का फर्स्ट में था तीन और सॉरी चार और पाँच, ये दोनों इन करके जब उठा था तो एक राउंड मिला है। अब ये दोनों जब दब के थोड़ा सा उठा तो जो बचा हुआ टाइफिड है उसको मिलाएंगे। बचा हुआ टाइफिड है हमारा चार नंबर, पहले एक साइड से मिलाते हैं। चार और पांच हो गया, उसके बाद ये लगा रहे हासिम रे, कह रहे तो ये हो गया हमारा टाइफिड एरो थ्री का कंप्लीट। ऐसे ही मिलाते हैं, एक चीज़ और दिखाते हैं आप लोग को। तो मोबाइल टाइमिंग कहाँ से होता है, बहुत सारे लोग को दिक्कत होता है टाइमिंग में। यहाँ पे पंप दिख रहा है ना आपको, पंप के अंदर में नीचे में एक रहता है लुल्ली टाइप का जो लॉक करता है पंप के ओपिनियन को, उसमें ग्रुप बना हुआ रहता है टाइमिंग के अनुसार। तो यही है हमारा टाइफिड का सिस्टम एरो थ्री का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थैंक यू।